मैं हूं आपकी दोस्त एंड एडुकेटर शानी और आप सभी को मेरे चैनल शानी लव फॉर बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक चैप्टर है वो है हड़प्पन कल्चर। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि हम लोग जो जो टॉपिक को पढ़ेंगे वही टॉपिक को हम लोग देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक से ज्यादा हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन उस सब चैप्टरों में मुझे लगता है कि जो हड़प्पन कल्चर है उसके बाद अदर्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सब चैप्टर हम लोग पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हड़प्पन कल्चर में क्या क्या चीजें हम लोगों को जानने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम लोग जब भी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को ये जरूर जानना पड़ेगा कि हमारे अतीत क्या थी और वो अतीत हम लोग कैसे जानेंगे। हम लोग हमारे पास्ट को जानेंगे इस हड़प्पन कल्चर के माध्यम से, ठीक है। तो हो सकता है कि आज ये जो हड़प्पन मोहनजोदड़ो ये जो कल्चर है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये आज पाकिस्तान में पड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे देश की जो एक मैं क्या बोलूं, हमारे देश की जो पॉपुलैरिटी है वो शुरू हुई थी इस हड़प्पन कल्चर के माध्यम से। इस हड़प्पन कल्चर से ही विदेशों में बहुत सारे दुनिया के लोग जान पाए थे कि हमारी इंडिया कैसी थी, हमारी इंडियन कल्चर कैसी थी, ये सब के बारे में जान पाए थे। तो इसके लिए हमारे देश में ये जो हड़प्पन कल्चर, इसकी एक बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक क्या मैं बोलूं, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हड़प्पन कल्चर कैसी थी, उस समय के लोग कैसे थे, उन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसा था, इस सब के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पन इस कल्चर की इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले जान लेते हैं हड़प्पन कल्चर कैसा था, ये रूरल कल्चर थी या एक अर्बन कल्चर थी। तो फ्रेंड्स, हड़प्पन जो कल्चर थी ये अर्बन कल्चर थी। तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है कि द अर्बन कल्चर फाउंड इन हड़प्पा, कहाँ पर, इन पाकिस्तानी पंजाब। यानी हम लोग जब हमारे देश के जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग एक्सकैवेशन कर रहे थे तो वहां से हड़प्पन कल्चर की एविडेंस मिली थी, लेकिन उससे हम लोग ये जान पाए कि ये जो हड़प्पन कल्चर है ये एक्चुअली एक अर्बन कल्चर थी, एक शहरी कल्चर थी। तो अब वो कहाँ पर है, अब वो पाकिस्तान के पंजाब पर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से लोगों की कंट्रीब्यूशन थी इस हड़प्पन कल्चर की एक्सकैवेशन के पीछे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा है, इन 1853 ए कनिंगहम मींस अलेक्जेंडर कनिंगहम द ब्रिटिश इंजीनियर नोटिस ए हड़प्पन सील। तो पहले कौन थे फ्रेंड्स, पहले दयाराम साहनी जी ने, हम लोग सब जानते हैं कि दयाराम साहनी जी ने इस हड़प्पन कल्चर को खोज निकाले थे, लेकिन उससे भी पहले 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगहम नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने पहले नोटिस किए थे इस हड़प्पन सील को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन 1921 द हड़प्पन साइट वर एप्रिसिएटेड बाय दयाराम साहनी, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो वाज एक्सकैवेटेड बाय आरडी बनर्जी, दैट इज राखालदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो कब एक्सकैवेट किया गया था फिर, 1922 को, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई। तो हम लोगों ने क्या देखा, एट फर्स्ट किन्होंने इसे इस साइट को किन्होंने खोज निकाले थे, वो थे इन 1853 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगहम, उन्होंने ही पहले नोटिस किए थे इस हड़प्पन सील को। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी जी ने इस हड़प्पन साइट को एक्सकैवेट किए थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो की एक्सकैवेशन हुई थी कब, इन 1922 में, और वो कौन एक्सकैवेट किए थे, वो किए
किए थे आरडी बनर्जी ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में और भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। The Indus or Harappan culture was older than Chalcolithic culture. देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने, मैंने जब आप लोगों को शायद 11 क्लास 11 एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ाए थे, तो उस समय हम लोग चैल्कोलिथिक एज के सब के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ चैप्टर पढ़े थे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने इस चैप्टर को बाद में पढ़ाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोन एज के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो खैर छोड़िए, अब आप लोग क्लास पर ध्यान दीजिए। तो जो इंडस कल्चर, और हम लोग इसे बोल सकते हैं हड़प्पन कल्चर, इट वॉज ओल्डर देन चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज डेवलप इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, कहां पर डेवलप हुई थी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या जानकारी जान पाते हैं, इट इज कॉल्ड हड़प्पन बिकॉज दिस सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन फर्स्ट इन 1921 एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसे हड़प्पन कल्चर क्यों बोलते हैं, इसे हम लोग हड़प्पन कल्चर इसलिए बोलते हैं कि जब 1921 में इस साइट की पहला खोज हुई थी, तो वो साइट कहां से निकलने गई थी, वो थी मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा से ही इसकी पहला खोज निकाला गया था। तो इसके लिए ही ये जो साइट, जो पूरे जो कल्चर की नेम पड़ गई है हड़प्पन कल्चर के नाम पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट है वो कहाँ कहाँ पर है फ्रेंड्स, वो पंजाब, हरियाणा, सिंध, बाल्टिस्तान एटसेट्रा, यानी इस सब एरिया में हड़प्पन साइट है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हड़प्पन साइट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो सकती है और स्टेट पीसीएस हो सकती है और कोई भी एग्जाम हो सकती है फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप लोगों के मैथ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग उसी को ही पहले देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग फेमस कुछ हड़प्पन साइट के बारे में देख लेते हैं, जिसे कि आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्लेस कहाँ पर है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्लेस कहाँ पर है, अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट साइट जो है, एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, चांगुदारो, ठीक है। तो प्लेस के नेम क्या है, चांगुदारो, वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, वो सिंध ऑन दी इंडस रिवर, यानी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान पर है, ठीक है। और इसकी एक्सकैवेटर कौन है, इसकी एक्सकैवेटर है एन जे मजूमदार इन 1931। देखिए फ्रेंड्स मैंने यूं ही इनकी एक्सकैवेटर की नेम लिख दिया है, आप लोगों को इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ मजूमदारो और हड़प्पा के एक्सकैवेटर के नाम को याद रखिए। तो प्लेस क्या है, चांगुदारो कहाँ पर है, सिंध, और ये जो सिंध प्लेस ये कहाँ पर है, ऑन द इंडस रिवर। अब इसकी एक्सकैवेटर है एम जी मजूमदार, और यहाँ पर से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स मिली है वो क्या क्या है, बिल मेकर शॉप एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस कहाँ पर है, अमरी। देखिए फ्रेंड्स जगह कौन सी है, अमरी। प्लेस कहाँ पर है, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। इसकी एक्सकैवेटर कौन है, इसकी भी एक्सकैवेटर है एम जी मजूमदार, ठीक है। चलिए अब हम लोग और एक प्लेस को देख लेते हैं, और ये प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, ये है कालीबंगा। आई होप आप लोग इस एरिया की नेम को सुने हो, तो प्लेस क्या है, कालीबंगा। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये राजस्थान में है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे देश के अंदर है, तो इसके लिए ये जो प्लेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा है राजस्थान पर, और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर, ठीक है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स मिली है वो कौन सी है, वो है फायर ऑल्टर्स, वुडन प्लाफ, कैमल बोन्स एटसेट्रा, ठीक है। चलिए अब हम लोग और एक प्लेस को देख लेते हैं, प्लेस की नेम क्या है, धोलावीरा। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारे इंडिया पर है, प्लेस कहाँ पर है, धोलावीरा। जगह कौन सी है, गुजरात में रन ऑफ कॉच में, ठीक है। प्लेस कहाँ पर, लोकेशन कहाँ पर है, गुजरात की रन ऑफ कॉच में।
और इसकी एक खासियत है यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर पड़ता है ये भोलाबीरा, ठीक है। और इसकी जो मेन मेन फाइंडिंग्स है वो क्या है, टेराकोटा पॉटरी, बीड्स, गोल्ड, कॉपर ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा। आई होप आप लोग सब समझ रहे हो जगह कौन सी है, प्लेस कौन सी है और इनकी फाइंडिंग्स क्या क्या है। चलिए अब हम लोग और एक प्लेस को देख लेते हैं। प्लेस की नेम क्या है, राखीगढ़। कौन सी है, राखीगढ़। इसकी लोकेशन कहां पर है, हिसार हरियाणा में, ठीक है। और इसकी और यहां से कौन सी फाइंडिंग मिली है, वो है ज्वेलरी मेकिंग यूनिट, बार्न, ब्रिक वॉल, फीमेल स्केलेटन एटसेट्रा। तो क्या क्या चीजें मिली है, ज्वेलरी मेकिंग यूनिट यहाँ से मिली है, बार्न, ब्रिक वॉल मिली है और फीमेल स्केलेटन मिली है। तो फ्रेंड्स यही था कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेस। मैं ज्यादा प्लेस की नेम आप लोगों को नहीं बोलूंगी, इसे आप लोगों को मुश्किल हो सकती है याद रखने में। तो हम लोगों ने कौन सी प्लेस को देखा, एट फर्स्ट हम लोगों ने देखा चांदबुदारो, वो कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में। इसकी इम्पोर्टेंट एक जो फाइंडिंग है वो है बीड्स मेकिंग शॉप। सेकेंड है आमरी, वो है ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, इसकी एक्सकैवेटर वर्ड है एम जी मजूमदार। थर्ड है कालीगंगा, कालीगंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कालीगंगा कहाँ पर है, राजस्थान में और ऑन द बैंक ऑफ घाघरा रिवर। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से मिला है फायर ऑल्टर, यहाँ से मिला है फायर ऑल्टर, वुडन ग्लव, कैमल बोन्स एटसेट्रा। इसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात की रणक पक्ष में। और इसकी एक खासियत है ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से मिला है टेराकोटा पॉटरी, बीड्स, गोल्ड, कॉपर ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा। इसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी हमारे इंडिया पर है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में। और यहाँ से क्या क्या मिला है, ज्वेलरी मेकिंग यूनिट, बार्न ब्रिक, वॉल, फीमेल स्केलेटन एटसेट्रा। फ्रेंड्स अब हम लोग इस हड़प्पा की टाउन प्लानिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्बन कल्चर थी, एक शहरी केंद्रित कल्चर थी। तो चलिए फ्रेंड्स अगर टाउन प्लानिंग से हम लोग जान लेंगे कि उस समय की हड़प्पा की सोसाइटी कैसा था, क्या उसमें कोई क्लास डिविजन थी, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे इस टाउन प्लानिंग से। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हड़प्पा की टाउन प्लानिंग कैसा था। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने लिखा है हड़प्पा कल्चर वॉज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड ए सिटाडेल। देखिए फ्रेंड्स एंड इट ऑक्युपाइड बाय रूलिंग क्लास। देखिए फ्रेंड्स ये यही पर ही मेन पॉइंट है, क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह में ही सिटाडेल मिला है। सिटाडेल मीन्स फ्रेंड्स वो दूर टाइप की जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसको भी देखा गया है इस हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। और कौन लोग ऑक्युपाइड करके रखता था, रूलिंग क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स इससे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि उस समय हड़प्पा सोसाइटी में क्लास डिविजन थी, एक ग्रुप थी जो रूलिंग क्लास से बिलोंग करती थी और एक ग्रुप थी जो लेबरर क्लास से बिलोंग करती थी। उसके बाद क्या हुआ, बिलो सिटाडेल देयर वाज लोअर टाउन विद ब्रिक हाउस इनहैबिटेड बाय कॉमन पीपल। देखिए फ्रेंड्स यही पर ही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सिटाडेल में तो रूलिंग क्लास के लोग रहते थे लेकिन उस सिटाडेल के नीचे एक छोटा शहर हुआ करता था जो कॉमन पीपल जो थे वो लोग वहां पर रहते थे। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है सिटीज फॉलोड ग्रिड सिस्टम एंड रोड कटिंग अक्रॉस वन अनदर वर्चुअली एट राइट एंगल। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो हड़प्पा कल्चर है ये फेमस क्यों थी, फ्रेंड्स ये फेमस थी इसकी जो ग्रिड सिस्टम थी उस समय जो रोड कटिंग थी वो प्रेजेंट डे में हम लोग जो मॉडर्न डे में हम लोग आज बिलोंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग उतना अच्छा ग्रिड सिस्टम हम लोगों के नहीं है, लेकिन उस समय के लोग जो हड़प्पा लोग थे वो लोग बहुत अच्छे एक मॉडर्नाइज तरीके से उन लोगों की ग्रिड सिस्टम को तैयार किए थे। तो इसके लिए ही हड़प्पा कल्चर फेमस है, इसकी ग्रिड सिस्टम के लिए, इसकी रोड कटिंग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सिटीज फॉलोड ग्रिड सिस्टम एंड रोड कटिंग अक्रॉस वन अनदर वर्चुअली एट राइट एंगल। उसके बाद क्या हुआ,
many monuments of cities symbolize the ability of ruling class. देखिए फ्रेंड्स, उस समय बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स भी हुआ करता था, और वो मोनूमेंट्स क्या दिखाते थे? मोनूमेंट्स ये दिखाते थे कि उस समय वहां की रूलिंग क्लास की एबिलिटी कितना था, यानी जितना बड़ा मोनूमेंट होगी वहां की रूलिंग क्लास की एबिलिटी भी उतना बड़ा होगा। एक सिंबल की तरह वो लोग यूज करते थे, तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है कि मोनूमेंट ऑफ द सिटी सिंबलाइज द एबिलिटी ऑफ द रूलिंग क्लास। उसके बाद ह्यूज ब्रिक कंस्ट्रक्शन इम्प्रेस अ कॉमन पीपल, और उस समय बहुत बड़े बड़े ब्रिक से कंस्ट्रक्शन भी हुआ करता था, जो जिसे देख के जो कॉमन पीपल थे वो इम्प्रेस हुआ करते थे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आज भी हम लोग जब बड़े 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 ऑफिस को देखते हैं, बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग को देखते हैं, उसे देखते ही रह जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमन पीपल हैं, तो ये एक नेचुरल चीज है फ्रेंड्स। जब भी कोई बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स को हम लोग देखते हैं तो हम लोग हर जगह रह जाते हैं, तो उस समय भी वैसे ही चीज चलता था। जो ह्यूज बड़े बड़े जो ब्रिक कंस्ट्रक्शन होती थी उसे देख के जो कॉमन पीपल थे वो लोग अचंभित हो जाते थे, वो लोग इंप्रेस। देखिए फ्रेंड्स, इससे एक बहुत बड़े चीज पता चलता है कि उस समय के लोग ब्रिक कंस्ट्रक्शन को जानते थे, कैसे ब्रिक बनाया जाता है, कैसे ब्रिक से बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाया जाता है, उस समय के लोग ये जानते थे। देखिए फ्रेंड्स, आज से कई हजार साल पहले जो जितना मैं क्या बोलूं इतना डेवलप तक नहीं किए थे, लेकिन उस समय के लोग जो कितने डेवलप थे कि वो लोग ब्रिक से कंस्ट्रक्शन बनाते थे, ह्यूज ब्रिक कंस्ट्रक्शन बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, मोहनजोदड़ो फेमस फॉर इट्स ग्रेट बाथ, हम लोग तो सब जानते ही हैं। उसके साथ साथ लार्ज टैंक फाउंड इन धोलावीरा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सब मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ के बारे में जानते हैं, लेकिन धोलावीरा से भी एक बहुत बड़े टैंक हम लोग खोज निकाल रहे हैं, इसके बारे में शायद कम लोग ही जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो किस चीज के लिए फेमस थी? वो फेमस थे ग्रेट बाथ के लिए, और उसके साथ साथ लार्ज टैंक फाउंड इन धोलावीरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या है? इन सिटाडेल ऑफ हड़प्पा वी फाउंड सिक्स ग्रैनरीज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि उस समय जो रूलिंग क्लास के लोग बिलोंग करते थे वो बड़े बड़े सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल मीन्स जो बड़े बड़े दुर्ग होते हैं वहां पर वो लोग रहते थे। वहां से जब आफ्टर एक्सकवेशन हम लोग देख पाते हैं, वहां से लगभग सिक्स ग्रैनरीज मिली है कोई भी एक सिटाडेल से। तो इससे हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है फ्रेंड्स? इससे हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, और एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी करने के बाद जो जो फसल उगते थे उस फसल को वो लोग ग्रैनरी में मौजूद करके भी रखते थे। तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है इंसिडेंटल ऑफ हड़प्पा फाउंड सिक्स ग्रैनरीज। उसके बाद द यूज ऑफ बर्न ब्रिक इन हड़प्पा इज रिमार्केबल बिकॉज इन इजिप्ट वी सी ड्राइड ब्रिक। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा में हम लोग एक बहुत ही बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज को देखते हैं कि उस समय के लोग जो हड़प्पा में रहते थे वो लोग जानते थे कैसे बर्न ब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसी समय लगभग एक ही टाइम पीरियड में जब हम लोग इजिप्शियन कल्चर को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इजिप्ट के लोग बर्न ब्रिक कैसे बनाते थे वो लोग नहीं जानते थे। वो लोग क्या करते थे? वो लोग ड्राइड ब्रिक बनाते थे। ठीक है, तो यही पर ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। यही था हड़प्पा की टाउन प्लानिंग की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोगों के एग्जाम के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यही था टाउन प्लानिंग हड़प्पा कल्चर की। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही पर मैं आज की फर्स्ट पार्ट को खत्म करती हूँ। कल हम लोग इसके और भी ज्यादा टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स।